राम राम जी, मैं नीलम मल्होत्रा आपका अपने चैनल पर सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने लगे हैं ढोकला बेसन का, जो बहुत ही अच्छा और लाइट ब्रेकफास्ट में बहुत लाइट रहता है और बहुत जल्दी बन जाता है। और मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। 150 ग्राम मैंने बेसन लिया, 1 चम्मच चीनी का और 1 लेमन का जूस निकाल के रखा वो डालेंगे, नमक और हल्दी। पहले धीरे धीरे हम इसमें चीनी डाल देंगे और जो नींबू का 1 नींबू का रस वो डाल देंगे, इसको हिलाते हैं। बहुत स्मूथ इसका बैटर तैयार करना, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमें इसको थोड़ा थोड़ा पानी पाके गैस ऑन करके उसमें पानी डाल के रख देते हैं। मैंने उसमें 1 मिनट ढक्कन रख दिया। ये कंटेनर मैंने तैयार कर लिया, इसको पेपर रख के ग्रीस कर लिया। अब हमारा बैटर तैयार हो गया होगा। हम अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 7 में डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं। अभी हमने देर नहीं लगानी, फटाफट इसको मिला के हमने इसको गैस पे रख देना है। ये फूलना शुरू हो गया। अब हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे। इतना पानी लेना जो 20 मिनट तक स्टीम पूरी बना सके। ये पूरा सूख है, देखो। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ढोकला हमारा बन के तैयार हो गया। गैस हम बंद कर देंगे, इसको निकाल देंगे। अभी हम बाहर निकालते हैं इसको, इधर हम उसका थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसका तड़का तैयार करते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो पूरा साइज ठंडा होने देते हैं। अभी हम इसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे, मस्टर्ड सीड के साथ ही 5-6 हरी मिर्च मैंने काट के रखी है, कड़ी पत्ता थोड़ा। ढोकला हमारा बन के तैयार हो गया। हम जो पेपर है इसका वो उतार देते हैं।
देखो कितना स्पंची, कितना सॉफ्ट बना जी, आप देख सकते हो। कितना अच्छा बना जी, बाजार से बहुत ज़्यादा अच्छा बना। अभी हम जो इसका मसाला वो तैयार करते हैं, वो तैयार हो रहा है। देखो जी अपना ढोकला हमारा कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। मैंने इसको कट कर दिया, देखो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा बढ़िया डोसा ढोकला बनाया है। प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बाजार से भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा बहुत ही जल्दी। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, आपको कैसा लगा।